गिलगित शहर में वाक़ सैफ उरहमान शहीद अस्पताल के तोसी मनसूबे का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान ने संग के बुनियाद रख दिया। 300 बेड के इस मनसूबे पर 7 करोड़ रुपये लागत आएगी और अगले साल 2020 तक मनसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान का कहना था, मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार में आते ही सेहत के शुबे पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टरों की कमी को दूर करने, हस्पतालों को जदीद आलात और सहूलियात से आरास्ता करने और आवाम को घर की दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया। पिछले 70 सालों में सेहत के शुबे को नज़रअंदाज किया गया जबकि विफाक और पंजाब हुकूमत से इस शुबे की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर ताउन हासिल किया। न पाकिस्तान बनाने का दावा करने वालों ने मुल्क में अदवियात महंगी कर दी और तरक्याती बजट में कटौती के सिवा कुछ भी नहीं किया। तकरीब से खताब करते हुए दिगर मुकर्रीन ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के शोबे पर मजीद तवज्जो दरकार है ताकि आवाम को सेहत की सहूलियात घर की दहलीज पर मिले। खालिद हुसैन, गिलगित न्यूज़, गिलगित।